ने अभिवादन किया। और अब देखिए कि मंदिर परिसर में अब हमारे दोनों माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देख रहे हैं पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी साथ में हैं। आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो भी साथ में हैं। और ये पथरी देवी जो मंदिर है इसका अपने आप में एक अलग इतिहास है, लगभग 500 वर्ष पुराना इतिहास है। आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो मंदिर के प्रमुख महंत हैं रविंद्र सिंह जी ने उनका स्वागत रविंद्र सिंह जी उनका स्वागत कर रहे हैं। और रविंद्र सिंह जी जो महंत हैं इस मंदिर के, और राष्ट्रपति जी चूंकि इनका गांव है, इनका पैतृक गांव है, तो वो प्रधानमंत्री जी को बता रहे हैं इस मंदिर के बारे में और ख़ासकर इस बरगद के पेड़ के बारे में। जो कभी यहाँ बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ में दो द्वार थी, और उसी दो द्वार में पत्थर के जो खंड थे उसमें देवी की आकृति की जो चिन्ह है उसको लेकर के उसी अभी राष्ट्रपति जी बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि यह उनका कुल देवी है इनकी। तो इस वक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो गांव का पैतृक मंदिर है परौक का, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए। बेहद विशेष, बेहद अद्भुत है ये पल, बेहद खास है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के साथ प्रधानमंत्री जी भी इस वक्त मौजूद है इस पैतृक मंदिर में, जो कि राष्ट्रपति जी का पैतृक गाँव है, उनका पैतृक मंदिर है, और यहाँ पर वो हमेशा से आते रहे हैं। तो परोग गांव में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परोग गांव जो कि पैतृक गांव है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिजनों के साथ में उसके अंदर दो दरवाजे थे और उस दरवाजे में पत्थर की जो मूर्तियां निकली और उसी मूर्ति को पथरी देवी के नाम से, पथरी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये उसके बाद जब बरगद का पेड़ गिरा तो वहाँ पर जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उनके जो पिताजी थे उन्होंने एक कच्चा चबूतरा बनाया, और फिर आगे गांव वालों ने 2005 और 2006 के बीच इस मंदिर का निर्माण किया। और इस मंदिर के निर्माण में गांव वालों की अहम भूमिका थी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है, जो भी अपनी मुरादें मांगता है, उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। और लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी भी भारत के इस महान पद को जब सुशोभित किए तो देवी जी का भी आशीर्वाद रहा है।
जैसा कि महंत जी ने बताया हमें, महंत रविंद्र प्रसाद सिंह जी ने, कि चैत्र में जो पत्थर की मूर्तियां हैं पथरी देवी माता की, वो चैत्र में उनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है। इस मंदिर के बारे में अगर हम कहें तो शाम को 2 घंटे और सवेरे 1 घंटा यहाँ पर रामायण का पाठ होता है, जिसमें गांव वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी शामिल होते हैं। आप देख रहे हैं ये शानदार क्षण है, ये ऐतिहासिक क्षण है। आप हिंदू भगवानों में से सबसे प्रमुख देवी है माँ दुर्गा, इन्हें महिलाओं की शक्ति के तौर पर भी देखा जाता है और हर साल इन्हीं माँ दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। इन 9 दिनों के दौरान हर दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। आप देखिए ये पथरी देवी का जो मंदिर है, ये जो तमाम तरह के जो है मूर्तियां हैं, और इन मूर्तियों में आप देखें कि यहाँ जो स्थानीय गांव वाले हैं वो प्रधानमंत्री जी के लिए स्वागत के लिए उनके समर्थन में यहाँ पर खड़े हैं, और आपको मैंने पहले बताया कि परोखा गांव के रहनिया चौक के पास ये पथरी देवी का मंदिर है, जिससे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की गहरी आस्था है। और ग्रामीणों के अनुसार पथरी देवी मंदिर के आसपास नील की कोठियां थी, उनके खत्म होने के बाद पथरी देवी मंदिर की देखरेख राष्ट्रपति के पिता स्वर्गीय मैकूलाल कोरी जी करने लगे। उन्होंने चंदा करके मंदिर का कच्चा चबूतरा बनवाया, जिसके बाद धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होने लगा। राष्ट्रपति के पिताजी के समय से उनके परिवार के लोग आज भी देवी की पूजा करते आ रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रपति को तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं परौक गांव से, परौक पैतृक गांव है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। इस वक्त ग्रामीणों के बीच में प्रधानमंत्री हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, किस तरह से उत्साहित है ग्रामीण प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, क्योंकि राष्ट्रपति तो उनके अपने हैं ही, वो वहां पर जाते भी रहे हैं और उनके बीच से निकला है राष्ट्रपति के ऊपर, पूरे गांव को गर्व है। हमने इससे जुड़ी हुई तमाम कहानियां स्टोरीज देखी है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर निश्चित तौर पर बेहद प्रसन्न हैं। गांव के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और ये महिलाओं का एक दल है, बच्चों का दल है, जिनसे प्रधानमंत्री रूबरू हो रहे थे, और निश्चित तौर पर बेहद ये एक भावुक क्षण भी कहा जाएगा यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने सामने देखना, उनसे संवाद स्थापित करना निश्चित तौर पर एक अद्भुत पल कहा जाएगा। प्रधानमंत्री ने अभी पथरी देवी के मंदिर का भी दर्शन किए राष्ट्रपति जी के साथ में, और इसके साथ ही साथ वो इस परौक गांव में उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की।